दिल्ली सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए दिल्ली में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार ने अधिकारियों को होली से पहले ही बाजारों में सख्ती बरतने के लिए आदेश दिए थे, लेकिन एमसीडी और दिल्ली पुलिस इन आदेशों की अनदेखी करता नजर आ रहा है। दरअसल बाजारों में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग नजर आ रही है और ना ही मास्क लगाने को लेकर सख्ती बरती जा रही है। इंद्रलोक इलाके में लगने वाला साप्ताहिक बाजार एमसीडी कर्मचारियों और पुलिस अधिकारियों की नाक के नीचे धड़ल्ले से चलाया जा रहा है। जहां ये साप्ताहिक बाजार चल रहा है और इस बाजार को देखकर साफ दिख रहा है कि लोगों में कोरोना का डर बिल्कुल भी नहीं है। पूरा कंट्री क्या पूरा वर्ल्ड सेकेंड वेव ऑफ कोरोना के पेंडेमिक के बीच में है और देखा यह गया है कि ये पेंडेमिक बहुत तेजी से दोबारा से खतरनाक रूप ले रहा है। इस वक्त जो इन्फेक्टिविटी है वो बढ़ गई है और यानी कि इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैल रहा है। तो इन हालात में इस वक्त लॉकडाउन तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमें सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स तो पूरे करने ही पड़ेंगे। दिल्ली में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली की आजादपुर मंडी और इसके आसपास के इलाके में रात 10 बजे ही पुलिस के अधिकारी नाइट कर्फ्यू और मास्क का पालन करवाने के लिए सड़कों पर निकल जाते हैं। एसएचओ आला अधिकारी डिवीजन के एसीपी समेत कई पुलिसकर्मी आजादपुर मंडी में कोरोना बचाव के नियमों का पालन करवाते हैं। वहीं आजादपुर मंडी गेट के आसपास भी पुलिसकर्मी हाथ में लाउडस्पीकर लेकर लोगों को मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, नाइट कर्फ्यू का पालन करने के लिए अनाउंसमेंट करते रहते हैं। साथ ही बिना मास्क घूम रहे लोगों का चालान भी काट रहे हैं। और आपको बता दें कि शुरुआती आधे घंटे में ही 15 चालान आजादपुर मंडी के गेट के आसपास किए गए हैं। दिल्ली पुलिस वाहन चालकों के भी मास्क पूरी तरह से चेकिंग कर रहे हैं और उनका चालान काट रहे हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड तोड़ते मामलों के बाद जहां दिल्ली सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है, वहीं दिल्ली पुलिस कोविड 19 रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक कर रही है। जहांगीरपुरी थाने में पुलिस ने लोगों को मास्क वितरित किए हैं, साथ ही सभी से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है।